सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर व्यापारियों के साथ हो रहा जुर्माना एवं दुकान सील करने, आज रीवा के व्यापारी रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला के निजी निवास पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। आज रीवा व्यापारियों द्वारा रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला को ज्ञापन सौंपते हुए बताया गया कि कोविड-19 जो हमारे देश में कोरोना संक्रमण फैला हुआ है, उसके बावजूद 3 महीने बाजार बंद रहने के कारण व्यापारियों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। ज्ञापन सौंपते हुए व्यापारियों द्वारा और क्या कुछ कहा गया, आइए सुनाते हैं क्राइम रिपोर्टर रोहित पाटिल की इस खास रिपोर्ट में। विधायक जी, क्या है हमारे शहर रीवा में जो लॉकडाउन का है और जो छूट मिल रही व्यापारियों को, पर सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे चालान काटना या दुकान सील करना, उस विषय में आज उन्होंने स्थानीय विधायक माननीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी को ज्ञापन सौंपा कि शहर में अनावश्यक तो भीड़ है, उस पर प्रशासन ध्यान न देके व्यापारियों पर जोर डाल रहा है कि आपके यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का मामला बिगड़ रहा है और जुर्माना लगा रहा है, उसके बाद 2 दिन सील लगा रहा है। एक तो जुर्माना लंबा है उनका, उसके बाद सील करना दुकान, ये गलत है। यहाँ जुर्माना लगाइए, यहाँ सील करिए। और दूसरी बात, अगर कोरोना का बढ़ रहा संक्रमण तो आप 15-20 दिन लॉकडाउन कर दीजिए तो व्यापारी संतुष्ट हो जाए। कभी शनिवार को बंद होता है, कभी संडे को, फिर मंडे को बंद हो जाता है, ये हो क्या रहा है शहर में। हमने आज स्थानीय विधायक हमारे माननीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी मिले कि हम लोगों की समस्या दूर की जाए और हमको सोशल डिस्टेंसिंग नाम से परेशान न किया जाए।